सब्सक्राइब करें पशुधन यूट्यूब चैनल को और वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पशुपालक भाइयों प्रणाम। पशुधन यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करके छोटे किसान तथा बेरोजगार नौजवान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं तथा देसी पोल्ट्री फार्मिंग को अपना मुख्य व्यवसाय करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। अगर आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग को अपना मुख्य व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1000 बर्ड्स यानी 1000 बर्ड्स की बैच से शुरू करना पड़ेगा और निरंतर यह संख्या बढ़ानी होगी, तभी आप इस व्यवसाय से अच्छा मुनाफा कमा पाओगे। और जैसे जैसे आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग का अनुभव लोगे वैसे वैसे आपको बर्ड्स के मार्केटिंग की समस्या कम होगी और आपको मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि देसी पोल्ट्री फार्मिंग में मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसे ब्रॉयलर में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, तो आपका रेट फिक्स होता है और उसी रेट से आपका बर्ड्स चला जाता है, लेकिन देसी पोल्ट्री फार्मिंग में ऐसा नहीं है। जिस तरह से आपकी मार्केटिंग होगी, आपका जितना नाम होगा उतनी ज़्यादा आपको उस बर्ड्स की कीमत मिलेगी। तो मार्केटिंग देसी पोल्ट्री फार्मिंग में बहुत 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 ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप 1000 बर्ड्स की देसी मुर्गियों की बैच शुरू करते हैं तो आपको कितना खर्चा होगा और आपको कितना मुनाफा मिलेगा, तथा देसी मुर्गियों की एक बैच कितने दिनों की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो भी रेट बताने वाले हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके यहाँ के भी हो, कुछ रेट ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं कम भी हो सकते हैं। दोस्तों, बर्ड्स का प्रॉपर वेट गेन होना बहुत ज़रूरी होता है तथा बर्ड्स में मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर कम होनी ज़रूरी है। जितनी मृत्यु दर कम होगी उतना ही आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। तो चलिए अब एक्चुअल कैलकुलेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ शेड का जो खर्चा है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जैसे वाटर फीडर्स और बाकी जो इक्विपमेंट्स है वो भी हम यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि ये सब आपके पास है और उसके बाद का जो खर्चा और मुनाफा है उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको लगेंगे चूज़े यानी बर्ड्स। मार्केट रेट में आपको तकरीबन 21 रुपये से लेकर 25 रुपये तक आपके बर्ड्स मिलेंगे, यानी 1000 बर्ड्स के हो गए 21,000 से लेकर 25,000 के बीच में आपको ये खर्चा होगा। दोस्तों, हम इन मुर्गियों को तकरीबन 80 दिन तक रखते हैं। हमारी मुर्गियां 80 दिनों में 1 किलो से लेकर 1.5 किलो की बन जाती है और तकरीबन इतने समय में एक मुर्गी 3 किलो तक फीड खाती है। यानी अगर 1000 मुर्गियों का हिसाब लगाए तो 80 दिनों में हमें एक बैच को बड़ा करने के लिए 3000 किलो का फीड लग जाएगा। इन 80 दिनों में हम इन मुर्गियों को 3 प्रकार का फीड देते हैं। पहला होता है स्टार्टर, फिर ग्रोवर और आखिरी में फिनिशर। इन सभी फीड की कीमत तकरीबन एक जैसी होती है। मार्केट में आपको यह फीड 26 रुपये से लेकर 30 रुपये तक यानी प्रति किलो मिल जाएगी, यानी हमारे फीड पर हमारा खर्चा हो जाएगा 78,000 से लेकर 90,000 तक। दोस्तों, इसके अलावा हमारा बिछावन पर खर्चा 2000 रुपये तक हो सकता है। हम उसमें भूसी यूज़ कर सकती है, जो लकड़े होते हैं उसका भूसा यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन तथा वैक्सीन पर हमें प्रति पक्षी 5 रुपये खर्च होता है, यानी 5000 रुपये तक हमारा खर्चा हो जाएगा। इसके अलावा बिजली पर हमारा 3000 रुपये तक खर्चा होता है। और अगर आप फार्म पर काम करने के लिए कामगार रखते हैं तो तकरीबन 3 महीने का उसका पगार हो जाएगा 20,000। अब ये पगार आप ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या आप खुद भी काम कर सकते हैं। अगर 1000 बर्ड्स की बैच है तो कामगार की वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप खुद काम कर सकते हैं। हाँ, जब आपके बर्ड्स 5000 तक हो जाएंगे तब आपको कामगार की ज़रूरत पड़ सकती है। तो तकरीबन 1000 बर्ड्स का हमारा अब तक खर्चा होता है, बर्ड्स के हो गए 21,000 से लेकर 25,000,
फीड के हो गए 78,000 से लेकर 90,000, बिछावन के लिए 2,000, वैक्सीनेशन मेडिसिन के लिए 5,000, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया 3,000, कामगार जो होते हैं अगर उसका खर्चा हम ऐड करें तो हो गए 20,000, तो तकरीबन पूरा खर्चा हो गया 1,29,000 से लेकर 1,45,000 तक, और अगर कामगार को हम छोड़ दें तो खर्चा हो जाएगा 1,09,000 से लेकर 1,25,000 तक। तो चलिए आप बात करते हैं कि अगर आप इन बर्ड्स को आप मार्केट में बेचते हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। दोस्तों मॉर्टलिटी रेट अगर 5% भी पकड़े तो आपके पास 950 बर्ड्स है सेल करने के लिए, यानी अगर आप रिटेल मार्केट में इन बर्ड्स को सेल करोगे तो आपको पर बर्ड पैसे मिलेंगे 230 रुपीज़ से लेके 250 रुपीज़ तक। मैं यहाँ रिटेल मार्केट की बात कर रहा हूँ, अगर होलसेल मार्केट की बात करें तो आपको पैसे कम मिलेंगे। तो अगर रिटेल मार्केट में अगर ये बर्ड्स आप बेचते हैं तो आपकी ग्रॉस कमाई हो गई 213,900 रुपये से लेकर 218,500 रुपये तक, यानी आपका खर्चा माइनस करके आपका नेट प्रॉफिट होता है 84,000 से लेकर 70,000 तक। दोस्तों यह मुनाफा बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसलिए बहुत जगह ये वैरी करता है, मतलब हो सकता है कि आपको 50-60,000 ही मिल जाए या आपको 1,00,000 रुपए तक मिल जाए। तो रेट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा डिपेंड रेट पे ही सब करता है, जितना अच्छा रेट मिलेगा मॉर्टलिटी जितनी कम होगी। अगर आप खुद काम करते हैं तो ये सब जब आप मिक्स करते हो तो या तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा या तो कम होगा, लेकिन अगर हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से लेंगे तो 3 महीने में आपको तकरीबन 75,000 तो मिलने चाहिए, यानी हर महीने में आपको मिल रहे हैं 25,000, वो भी सिर्फ 1,000 बर्ड्स से। तो दोस्तों ये था मेरा कैलकुलेशन, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। ज़रूरी नहीं कि मैं हर बात सही कह रहा हूँ, शायद मैं हर चीज़ गलत कह रहा हूँ, या शायद मैं आपको मुनाफा ज़्यादा होने वाला है और मैं कम आंक रहा हूँ, जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मैं डॉक्टर जयसिंह आपसे अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।